काफी मेहनत करते हो ना? हाँ, अभी लड़ाई मिट्टी से हो रहा है, तो राणा माटी के राणा लोग है तो माटी से लड़ना तो पड़ेगा ही। सर आपका लहसुन भी इधर लगा हुआ, मूली भी लगा हुआ है, और इधर देख सकते हैं मटर छीमी है, और इधर आपका टमाटर है। कुआ कितनी बड़ी है गाइस, पानी भी काफी भरा हुआ है। ये तो झारखंड का प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है यहाँ। लोग आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और फिलहाल कोलकाता में हूँ। आज की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जर्नी जो होने वाली है, आज हम लोग जाने वाले कोलकाता टू गोमो यानी कि झारखंड। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगता है, क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ ही नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों जिस एरिया में रुका हुआ था, इस एरिया को बोलते हैं चिनार पार्क, जो लगभग कोलकाता का मेन टाउन यानी कि धर्मतला से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से मुझे अभी जाना है, रेपिडो बुक कर चुका हूँ, अभी मुझे रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ से स्टेशन जाने वाला हूँ। किलोमीटर होगा, लेकिन रेलवे जो बढ़िया सुविधा है, कोई टेंशन नहीं रहता है, आराम से आप पहुँच जाओगे। फर्स्ट ट्रेन जर्नी होने वाली, इससे पहले मैं किया तो कभी नहीं, अधिकतर मैं ट्रिप करता हूँ हावड़ा से। जर्नी करने वाले हैं जम्मूती एक्सप्रेस, जो डेली का डेली खुलती है कोलकाता से, और टोटल आज हम लोग कवर करने वाले 292 किलोमीटर, जो कि बीच में मैं रुक जाऊंगा यानी कि गोमो तक मैं जा रहा हूँ झारखंड की ओर। तो ऑलरेडी मेरी ट्रेन लग चुकी है और मेरी कोच नंबर S5, आज हम लोग इसी में सफ़र करने वाले हैं। और ट्रेन नंबर की बात करें तो 13151 है, जो डेली का डेली चलती है, और यहाँ जो टाइमिंग है 11:45 यहाँ पे छूट जाती है। चलिए आप लोग को अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। जैसा आप एंट्री करते हैं देख सकते हैं, इस तरह का कुछ नज़ारा है, बोले तो साफ़ सुथरा हो चुका है। वाशरूम की बात करें तो ठीक ठाक ही है। चलिए सीट नंबर है 40 यानी कि इधर है, साइड अपर में है। ओ भाई उड़ा ले। कोलकाता से ट्रेन खुल गई है, दोस्तों ये ट्रेन जो आ रही है ना, कोलकाता की लोकल पैसेंजर ट्रेन है, काफ़ी लोग सफ़र करते हैं सस्ते में। भाई ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है, खुलने के बाद मेरी फर्स्ट स्टॉपेज है दक्षिणेश्वर, जो कोलकाता के अंदर ही आती है। क्या दादा? हुआ हुआ बर्दवान जंक्शन, अभी तक 98 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। अभी जो टाइमिंग हो रही है 1:44 लगभग, 1 घंटा हो गया, अभी डीले चल रहे हैं। फिर भीड़ हो गई बर्दवान जंक्शन में। हो भाई कैसे कैसे? 20 रुपया एक देना। दोस्तों हर सफ़र में आपको झाल मुड़ी मिल जाएगी, और मैं लिया 20 रुपया का, और ये काफ़ी फेमस है वेस्ट बंगाल का, ये झाल मुड़ी, झाल भी लगता है गाइस, आप देख सकते हैं चूड़ा वगैरह मूँगफली वगैरह बहुत कुछ डाला हुआ है। आसनसोल लगभग 3 घंटे का सफ़र अभी तक कर चुके हैं, और भी 2 घंटे का सफ़र करने वाले, 5:30 तक पहुंच जाएंगे। बात नहीं भाई, गोमो तक पहुंच जाएंगे। तो
कोयला राजधानी यानी कि धनबाद अभी तक लगभग 4.5 घंटे का सफ़र कर चुके हैं और आधा घंटे का सफ़र करने वाले हैं। हम गाँव में पहुँच जाएंगे। धनबाद की बात करें तो झारखंड का प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से आपको हर ट्रेनें मिल जाएगी जाने के लिए। पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। 292 किलोमीटर का सफ़र किए कोलकाता टू गोमो और यहां से जाने वाले हैं अपने फुफा घर। हमें फुफा का बेटा लेने के लिए आ रहे हैं स्टेशन। यहां से लगभग 5 किलोमीटर होगा। संथाल भी बोलते हैं। ज़रा है गोमो रेलवे स्टेशन का। काफ़ी बार यहां से मेरी सफ़र हुई है और ये हावड़ा का मेन लाइन है। भीड़ हो गई और काफ़ी ठंड भी लग रही है झारखंड आने के बाद। अभी सुबह के 7 बज रही है और कल नाइट में अपने फूफा के घर पहुंच गए थे। देवू भाई ने मुझे रिसीव किया। कल काफ़ी नाइट हो गई थी, फिर हम लोग सो गए थे। फिलहाल मैं ब्रश करने के लिए जा रहा हूँ। इस तरह का कुछ नज़ारा है सुबह का। ये सारा बाड़ी देख रहे हैं, सारा देवू भाई क्या है। और इधर वाशरूम है, देख सकते हैं कुआं कितनी बड़ी है गाइस। पानी भी काफ़ी भरा हुआ है। जब देख सकते हो सुबह सुबह लोग काम कर रहे हैं हमारे भाई लोग। और इधर से संतोष भाई है। संतोष भाई क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो सुबह सुबह? देखिए बैगन का गाछी लगा है तो थोड़ा सा खाद उद डालाया जा रहा है। ओके, काफ़ी मेहनत करते हो ना? हाँ, अभी लड़ाई मिट्टी से हो रहा है। तो राणा माटी के राणा लोग है तो माटी से लड़ना तो पड़ेगा ही। सही बात है। इसी से दिनचर्या चलता है हम लोगों का। दिन में तैयार हो जाएगा ये? लगभग 20 से 25 दिन में हलने में टाइम लगेगा। ओके, अभी क्या कर रहे हो? अभी मिट्टी को थोड़ा सा यहाँ पे जैसे जम गया था तो थोड़ा सा हल्का करके इसमें खाद डाला जाएगा। इस उधर बड़े पापा खाद डाल रहे हैं। तो उस भाई यहाँ पे कितना पीस लगा है यार? यहाँ पे 1000 पीस बैंगन के लगे हैं पौधे। और जैसे कि उधर देख सकते हैं लहार हमने लगाया था, काट दिया है, सूख गया था। लहार का दाल खाते हैं, खरीद के नहीं खाते हैं हम लोग। और इधर देख सकते हैं 20,000 का लहसुन लगाए हैं, लेकिन पानी भी पटाए, उसमें भी खाद डाला गया है। खेती में देखिए मेहनत, बिना मेहनत का तो खेती होता नहीं है। इसे अभी देख सकते हैं हम लोग। हाँ, मेरा भाई बड़े पापा 4:30 बजे उठे। 4:30 बजे उठ के फ्रेश व्रेश हुए, नाश्ता तो किए, बासी रोटी था नाश्ता। उतना सुबह तो जल्दी नाश्ता नहीं बनेगा, बासी रोटी खा के इसे इधर लहसुन में पानी भी पटाएं, फिर इधर लगे 6 बजे से लगे हुए। आज बहुत ही ज़्यादा धुंध था तो धुंध की वजह से थोड़ा लेट से लगे, नहीं तो जल्दी हो जाता। संतोष भाई मेरे व्यूअर के लिए कुछ बोलना चाहोगे? निर्मला, हम तो भीवर को यही बोलेंगे, जैसे आपका छोटा मोटा जो भी बगान या बारी, हम लोग तो गांव देहात का आदमी है तो बारी ही बोलते हैं, तो छोटा मोटा जो भी है थोड़ा सा है तो उसमें कम से कम खाने भर सब्जी उगाना चाहिए। ताकि आप देख सकते हैं, जानते हैं सब्जी का रेट इस तरह से अभी पहाड़ों की तरफ बढ़ते जा रहा है। कभी ज़िंदगी में हमने नहीं सोचा था कि टमाटर 200 रुपये KG खाएंगे, लेकिन वो भी देखना पड़ा। अब देखिए फिर सब्जी का रेट क्या होता है। संतोष भाई ये छोटा भाई हम लोग का ना, देवू है। यहाँ पे मिट्टी को हल्का किया और देखिए खाद 2-3 प्रकार के खाद डाले गए हैं। उसके बाद मिट्टी से फिर इसको हल्का हल्का ढक देंगे। दबाना नहीं है, दबाने से क्या होगा, उसका जो ग्रोथ है ग्रोथ नहीं होगा और पौधा मर जाएगा कमज़ोर होके। सर आपका लहसुन भी इधर लगा हुआ, मूली भी लगा हुआ है और इधर देख सकते हैं मटर छीमी है और इधर आपका टमाटर है और उधर बैंगन अभी ऑलरेडी लग चुका है और इधर मक्के भी है। पहुंच गए छत के ऊपर। अब देख सकते हैं इस तरह का कुछ नज़ारा है गांव का। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है गाइस और अच्छा लगता है गांव में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वीडियो क्या करना है, एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नई ब्लॉग के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो क्या करना है भाई, लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ ही नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतने, बाय बाय, टेक केयर।